गेम के अंदर आ गया है बिल्कुल एक नया डायमंड रॉयल, जहां पे हम लोगों को एक भाई न्यू जो है बंडल्स यहां पे देखने को मिल रहा है। एंड यहां पे ये जो भाई बंडल है मतलब कि भाई ठीक ही है। इसका जो यहां पे शर्ट है ये मुझे काफ़ी काफ़ी बढ़िया लगा। एंड यहां पे इसका जो हेड है ये मुझे कुछ यहां पे बेहतरीन नहीं लगा। ठीक है, तो मेरे पास में यहां पे है 13 डैमेज और वॉचर, तो यहां पे मैं सारा का स्पिन करने वाला हूं और देखते हैं कि निकल पाता है कि नहीं निकल पाता। तो फर्स्ट स्पिन करेंगे हम लोग यहाँ पर 10 का करेंगे। तो यहाँ पे चलो करते हैं और देखते हैं क्या चीज़ें निकलती है। तो यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पे 33 था, तो यहाँ पे भाई देख लो 10 का स्पिन में। एंड इसमें तो कुछ लगता है निकलने वाला में से है नहीं। तो इसके बाद जो है हम लोग यहाँ पे फिर से जो है 10 का नहीं, इस बार हम करेंगे एक स्पिन करेंगे। उसके बाद जो है मैं यहाँ पे उसको हटाते जाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पे निकला है मैजिक क्यू का फ्रेगनेंट, तो यहाँ पर मैं इसको क्लेम कर लेता हूँ। एक मिल रहा है विपेंड और वॉचर, तो इसको मैं क्लेम कर लेता हूँ। उसके बाद जो है मैं फिर से एक स्पिन करूंगा और फिर देखते हैं क्या चीज़ें निकलती है। फिर से यहाँ पे मैजिक क्यू का फ्रेगनेंट भाई यहाँ पे क्यों नहीं दे रहे हैं भाई। मेरा लक जो है 80 हो चुका है, अब जो है मुझे यहाँ पे भाई 20 ही लक चाहिए, लेकिन मेरे पास में है डैमेज रॉयल 22 है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहले 1 का मार लेता हूँ, फिर यहाँ पे 10 का कर लेंगे। ऐसे तो निकलना यहाँ पर निश्चित है क्योंकि उतने ही है वो भाई। फिर से यहाँ पर मैजिक क्यू का फ्रेगनेंट, चलो ये चीज़ें काफ़ी ठीक लगती है फ्रेगनेंट, क्योंकि भाई इससे जो है कुछ यहाँ पे ले सकते हैं, एक्सचेंज भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जैसे यहाँ पे निकला ये बहुत ही ख़राब है। ठीक है, तो यहाँ पे हम करने वाले हैं सीधा अब 10 का स्पिन। तो भाई यहाँ पे इस बार तो मुझे लगता है कि निकल जाने चाहिए बंडल्स। तो मेरे ख्याल से लगता है कि भाई करेक्टर थोड़ा मैं चेंज कर लूँ तो काफ़ी बेहतरीन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे करेक्टर चेंज कर इस बार करने वाला हूँ। तो यहाँ पे हमेशा की तरह एडम लेंगे और इसके जो हाथ से गन स्किन को हटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं क्या चीज़ें इस बार होती है। तो यहाँ पे 10 का करेंगे और फिर देखते हैं क्या चीज़ें निकलती है। तो भाई इस बार तो मुझे लगता है कि निकल जाने चाहिए। तो यहाँ पे वो भाई फिर से मैजिक क्यू का प्रेगनेंट एंड यहाँ पे फिर से वही। तो भाई यहाँ पे लगता है कि फ्री फायर जो है इसको भाई अब जो है मुझे 100 लक जब तक नहीं होगा, जब तक मुझे ये देने वाला में से नहीं है, मेरे ख्याल से तो मुझे ऐसा ही लग रहा है। क्योंकि भाई यहाँ पे भाई कैरेक्टर मैंने चेंज कर लिया फिर भी नहीं मिल पा रहे हैं, तो मैं यहाँ पे पहले 1 का करूँगा। ठीक है, तो भाई मेरा पहले जो है भाई निकल जाता था 60-70 लक पे, लेकिन अब पता नहीं क्यों शायद से लेवल जो है इंक्रीज होने के बाद ये चीज़ हो रही है। तो यहाँ पे भाई देखो ओनली जो है फ्रेगनेंट ही दे रहे हैं, मैजिक क्यू का करेक्टर का फ्रेगनेंट, यूनिवर्सल फ्रेगनेंट, फिर से देखो मैजिक क्यू का फ्रेगनेंट। तो यहाँ पे हम लोग फिर से 1 का कर गए क्योंकि 10 का तो ऑप्शन है नहीं। एंड यहाँ पे इस बार जो है मैं अपना लक देखूँगा कि यार कितना हो चुका है, 97 हो चुका है। तो मुझे ख्याल से लगता है कि भाई मतलब कि देंगे तो 100 ही पे देने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है कि मुझे 100 पे मिलेगा या फिर 100 से पहले मिलेगा, पहले चाहो तो कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फिर से करता हूँ स्पिन और फिर देखते हैं क्या चीज़ें होती है। तो यहाँ पे फिर से मैजिक क्यू का फ्रेगनेंट, मुझे ख्याल से लगता है कि इस जो भाई स्पिन जितना भी मैंने किया उसमें यार 10 जो है पक्का मुझे मैजिक क्यू का फ्रेगनेंट ही मिला है। तो इस बार ओ भाई 100x कार्ड मिला है, सॉरी 50 वाला था। तो इस बार जो है मुझे मिलने वाला है कन्फर्म, क्योंकि इस बार जो है मेरा लक जाएगा, जितना चाहिए था उतना मेरा चल जाएगा। तो धरो, ओ भाई निकल गया। अब देखो इसे भाई कहते हैं कि मतलब कि यार पहले अगर कुछ मिल जाता तो यार काफ़ी बेहतरीन मुझे लगता है, लेकिन इस बार जो है मतलब कि यार लास्ट ही में मिला। तो मैं इसको स्क्रीनशॉट ले लेता हूं, तो स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने इसको। तो भाई यहां पे देख सकते हो मैं आपको बंडल भी पहना कर दिखा देता हूं। तो यहां पे मैं इक्विप कर लेता हूं और इक्विप करने के बाद भाई एडम पे कुछ मुझे खास नहीं लग रहा है। मैं आपको अदर्स करेक्टर पर जो हूँ यहाँ पर भाई इक्विप कर दिखाता हूँ। तो ये है यहाँ पे करेक्टर एंड यहाँ पर मैं आपको इसको लगा कर दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर किधर है वो बंडल, तो यहाँ पे भाई किधर गया। अब भाई इसको खोजने में भी थोड़ा टाइम लगेगा, नहीं चलो मिल ही गया। तो ये है भाई वो बंडल से। तो भाई देख सकते हो बंडल का लुकिंग जो है काफ़ी ठीक ही है मुझे लगा, इलाइट पास का एक बंडल आप लोग इसको कह सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगा, वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।